वीरेन चौहान जी, आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा, और जो आरोप लगाए गए हैं कि मूलभूत सुविधा पेयजल व्यवस्था नहीं है 9% से ज्यादा स्कूलों में, 75% स्कूलों में तो कंप्यूटर ही नहीं है, और बात हम करते हैं डिजिटल इंडिया की। आपको अनम्यूट करना होगा शायद चौहान साहब। मनु जी, जी जब भी कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है तो सबसे पहले देखने की चीज ये होती है कि बोलने वाला कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका उसका उसके संगठन का इतिहास क्या है। उस सारी चीजों का अगर आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वो पार्टी है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल पर उनके पुराने सहयोगी योगेंद्र यादव ने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर ये आरोप लगाया है कि 2012 में अरविंद केजरीवाल ने फर्जी सर्वे छपवाया है, एक अखबारों में विज्ञापन दे दिया कि इतने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। और जब योगेंद्र यादव ने पूछा कि भाई ये सर्वे कब हुआ, किसने कराया, बोले कोई नहीं हुआ, तो फिर क्यों छाप दिया, बोले छाप दिया। तो इस तरह के तो इनके सर्वे होते हैं। तो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड उनके अपने पुराने साथी तथाकथित विश्वसनीय साथी इस तरह का बताते हैं कि वे फर्जी सर्वे बिना कराए उनके रिजल्ट भी छाप देते हैं, और पूछे जाने पर ये कहते हैं कि मेरा मन किया मैंने छपवा दिया, अब इसको डिफेंड करिए। तो उनको उनके सर्वेक्षण के आधार पर, उनके आरोपों के आधार पर अगर आप चर्चा कर रही हैं तो ये चिंता की बात है, ये चर्चा की गरिमा और चर्चा के स्तर को गिराने वाली बात है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि किसी भी स्कूल, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें लाइब्रेरी नहीं है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें टॉयलेट दुरुस्त हालत में नहीं है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें पेयजल व्यवस्था पूरी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मनु जी मुझे, मैं पूरी कर दूं बात, मैं ये कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सब स्कूलों में 100% से अधिक टॉयलेट बन गए हैं, 100% से ज्यादा टीचर पहुंच गए हैं, मैंने तो ये नहीं कहा। पर फिर क्या आप परसेंटेज का खेल खेलना चाहते हैं?